मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन कुछ सवाल होते हैं वो करने चाहिए। बस को ड्राइव कर रही है, अगर आपको लगता है इसमें से दो चार पांच सवारियां उतर भी जाएंगी तो मरियम नवाज अपनी मंजिल तक जाने के लिए उसमें डटी रहेंगी, कुछ साथ हो या ना हो, जो मंजिल है, जो रास्ता है, वोट को इज्जत दो है, जो 70 साल ये जो चल रहा है उसको उसको आखिरी हद तक डटी रहेंगी। देखिए, हम तो साथ खड़े हैं ना। जो लोग मफाद के लिए आपके साथ खड़े हैं वो तो अलैदा होते जाएंगे, और वो कल का जाता आज जाए। तो ये मेरा ख्याल है कि मरियम नवाज का जो आप कह रहे हैं ना, मंजिल तक पहुंच जाएंगी, ये समझना जरूरी है कि मंजिल क्या है। मंजिल क्या हुकूमत गिराना है? नहीं। मंजिल क्या वजीर आजम बनना है? नहीं। वजीर आजम उनके वालिद साहब 3 बार रहे हैं, उनके वालिद साहब भी ये नहीं चाहेंगे कि ऐसी वजीर आजम बने जिसके पास इख्तियार ना हो, जिसको रात को 11:30 बजे कोई आके कि कोई धमकी दे, कोई कहे ऑफिस छोड़ दो, वो नहीं चाहते। ये जो वजारत उज़्मा है, मरियम नवाज ने इसको 3 बार देखा है, और 2 बार बल्कि 3 बार मेरा ख्याल है कि एज एन एडल्ट देखा है, जहां तक मुझे याद पड़ता है। मेरा ख्याल है 3 बार जब उनके वालिद साहब वजीर आजम बनी है तो वो बशऊर एडल्ट थी, बच्ची नहीं थी, उन्होंने देखा है। बिलावल भुट्टो साहिबा की जब वालदा वजीर आजम थी तो वो कम उम्र थे, पता है इनको वजारत उज़्मा में क्या मसाइल होते हैं और क्या मजे होते हैं। उनकी नजरें रजी हुई हैं, उनको कोई जल्दी नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि वो 10 साल बाद बने, 20 साल बाद बने, लेकिन बने ऐसे कि अख्तियार हो, ऐसे ना बने कि लोग झोलियां उठा उठा के आपको बदवाएं दे रहे हैं। आज क्या पीटीआई वाले, ये जो मम्मी डैडी क्राउड है, ये जो बर्गर क्राउड है, ये जो लाहौर की कुछ और इस्लामाबाद की कुछ सड़कों पे रहते हैं, ये जो सूडो एलीट है, इनसे बर्दाश्त होंगी तकालीफ? जो गरीब अवाम है ना, जो गरीब अवाम है, जो कारोबारी तबका है, जो दुकानों पे बैठा है, जो सारा दिन मजदूरी करता है, जो वोटर है पीएमएलएन का, उसको दुश्वारियां उठानी आती हैं। ये जिन लोगों को चीज खाने की आदत है ना बर्गर्स पे, उनका चीज बंद हो रहा है। इनको एसी में सोने की आदतें हैं ना, उनके एसी बंद हो रहे हैं। ये मुझे इंसाफियंस ने खुद कहा है कि हमें माओं से गलत पड़ रही है कि बेटा तेरा लीडर, ये बिजली का बिल देखो, ये तुम्हारे लीडर ने किया है, बंद करो एसी, मत मांगो मुझसे। कि अब वो खुद कौसार का चीज बर्गर नहीं अफोर्ड करते। सो बात ये है कि सबको महसूस हो रहा है, पीटीआई वाले और ये बर्गर क्राउड जो है वो क्यों, अब बेचारे अब क्या करें, शर्मिंदा तो हैं, बड़े कम सपोर्टर्स रह गए हैं, वो नहीं सपोर्ट कर रहे इस बेकार हुकूमत को, बेकार हुकूमत को, वेली हुकूमत को। कौम को रोजगार पे लगाने के बजाय आप उनको फकीर बना रहे हैं, आप उनको हैंडआउट्स का आदि कर रहे हैं, लंगरों का आदि कर रहे हैं, जैसी जिंदगी खुद गुजारी है बाकियों को ऐसे। मैं तो कभी, आप यकीन करें, मैं तो बिलीव नहीं करती। मैं तो एक ऐसा पाकिस्तान देखना चाहती हूँ जहाँ हमारा हर बच्चा, हर जवान लैपटॉप पे कोडिंग सीखे, कंप्यूटर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीखे, हमारी सनत चले, हम लोगों से भीख ना बाहर से लें ना अंदर लोगों को हम गंदम की बोरियां दें और लंगर खाने खोलें। ये पाकिस्तान हम नहीं चाहते, हम एशियन टाइगर चाहते हैं। हम ऐसा बावकार मुल्क चाहते हैं जहां लोग हमसे कंसल्ट करें, ऐसा नहीं चाहते कि जी 7 दफा वज़ीर आज़म बाहर दौरा करें और कोई इसको रिसीव करने के लिए ना आए, कोई हेड ऑफ स्टेट रिसीव करने के लिए ना आए, यूएई जाएं, वीजे हम पे हमारे जो दोस्त ममालिक है वो बंद कर दें और इंडिया को रॉयल ट्रीटमेंट दें, ऐसा पाकिस्तान हम नहीं चाहते। हम बावकार तरीके से जीना चाहते हैं। हमने तो जिंदगी में कभी किसी से भीख नहीं ली, हमने तो जिंदगी में कभी किसी से नहीं कहा कि तुम मेरा रेंट पे कर दो और तुम मेरा खाना ले आओ, तुम आटे की बोरी ले आओ और तुम कोक ले आओ। हम ऐसे लोग नहीं है। तो हमारी कौम को ये समझना पड़ेगा कि खुदार कौम की तरह रहना है
तो हमको बदलने पड़ेंगे अपने रवैये। मरियम नवाज को किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका जो मंजिल है वो सिर्फ मार्च तक नहीं है, वो सिर्फ अप्रैल तक नहीं है, वो एक बहुत बहुत बड़ा एक अजम लेके चली है। और मेरा ख्याल है कि वो रातों रात शायद ना हो, लेकिन हम खड़े हैं, हम खड़े हैं। नजरियाती लोग उनको सपोर्ट करते हैं, और आप यकीन करें कि वो लोग जो उनको नहीं सपोर्ट करेंगे उनकी सपोर्ट जाएगी। बिल्कुल ठीक है।